बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरिगाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला, साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। 27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री और यहां के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं। जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला, तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए, कहा मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अंबेडकर से कर रहे हैं, ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूँ और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है, वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के अब खास वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री लेंगे। दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी भाई साहब एक आ रहा है, कार्रवाई बढ़ता जा रहा है। मोबाइल पीछे यार, विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीछे हो जा रहा है। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी जी एक ठीक नेतृत्व से खड़ा नहीं है। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सी कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। पर दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। ये तमाम बड़े बयान कैलाश मेघवाल की ओर से दिए गए। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ नेता साजिश करने में जुटे हैं। सतीश पुनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी सभी पर यह कटाक्ष किया गया कि सभी कांग्रेसी हैं, ये सभी नेता बीजेपी में आयातित हैं। तो कैलाश मेघवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे का अपमान हो रहा है। 1 लाख से जीत कराऊंगा, टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बाद
बीजेपी की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो अपनी ही पार्टी पर लगातार कर एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, अपने ही नेताओं को महाभ्रष्ट भी बता दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कैलाश मेघवाल के सख्त तेवर देखने को मिले, सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लगाकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लगाकर नीचे तक। आप समर्थकों में है क्या? आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के। अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1,00,000 की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहां की स्थिति है, मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और उकल लेते इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश की राजनीति से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सियासी सरगर्मी के बीच एमएलए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महाभ्रष्ट बताया था पीसी कौर, एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई, जहां पर अपने ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा, ये बयान भी कैलाश मेघवाल की ओर से सामने आया था। कई नेताओं को उन्होंने कांग्रेसी भी बता दिया था। पीसी कौर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी, कई नेताओं को बताया था कि ये महाभ्रष्ट है, कई नेताओं को कांग्रेस का बताया था और इसके बाद पार्टी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे, साजिश के भी आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे और एक एक कर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था उनकी ओर से। और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इसे लेकर शिकायत भी करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने महाभ्रष्ट बता दिया था। को सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है, अर्श से फर्श का जो सफर ये किया, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, मैंने कहा ना कि इसमें लिखा है मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ। तो मेरी मर्जी है जो राजनीति करूंगा, निकाल तो दिया ही। सुंदरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया, ये आप जानो, मैं नहीं जानता। लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उसको लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ, मैंने अपने दम पे राजनीति की है, मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन? कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए, मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। तो कैलाश मेघवाल के बयान पर ओमकार सिंह का बयान भी सामने आया। लगातार जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया टिप्पणियां भी शुरू हो गई। अब एक और बयान सामने आया, सियासी सरगर्मियां इस वक्त जोरों पर हैं। सीपी जोशी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया था, ये बयान सामने आया है ओमकार सिंह की ओर से। पार्टी में अनुशासन भंग करने को लेकर नोटिस दिया गया था, मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रकरण को पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी पी जोशी जी ने हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। तो वहीं आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर हरीश चौधरी का बयान भी सामने आया। आपको बताते चले कि उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या टिप्पणी की है। हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी ने बयान दिए हैं, इस व्यक्ति की नहीं ये विचारधारा की लड़ाई है, न नीति है न नियत है न ही कोई कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन की कल्पना भी नहीं करता, इसे लेकर पार्टी में कोई विचार ही नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, न तो इस व्यक्ति की कोई नीति है न ही नियत। आप बात कर रहे हैं उसकी विचारधारा है? नहीं। उसके कोई कार्यक्रम है? नहीं।
नीति और नियत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उस बात के लिए बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई से और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है उसके सामने इस बात का कोई इस संदर्भ में कोई विचार ही नहीं आता तो मेरा विचार तो कैसे आ सकता है जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उसकी। रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, योजना भवन ईडी की टीम पहुंची हुई है, योजना भवन के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, 15 अफसर की टीम से पूछताछ कर रही है। वेद प्रकाश यादव से गोल्ड कैश बरामद मामले में यह पूछताछ की जा रही है। कुल 15 ईडी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद है, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। DOIT से जुड़े कर्मचारियों से अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हैं। वेद प्रकाश के साथ साथ जुड़े तमाम स्टाफ भी पूछताछ में है, तो कई स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, कई स्टाफ भी इस पूछताछ में शामिल हैं। प्रदेश में हुए जल जीवन मिशन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम ने बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स में तकरीबन 9 किलो का सोना जब्त किया है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। जयपुर के रहने वाले ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी को 8 किलो सोना मिला है। जयपुर में लगातार ईडी की टीम का मूवमेंट जारी है। आज ईडी की टीम योजना भवन के दफ्तर में पहुंची हुई है जहां पर DOIT से जुड़े उन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है जो वेद प्रकाश स्टोर कीपर जो कि बाद में प्रोग्रामर बना जिसके पास में यहां पर बड़ी तादाद में कैश और गोल्ड मिला था उस पूरे मामले में यहां पर तस्दीक जो है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ये योजना भवन का वो दफ्तर है जिसके बेसमेंट में और ऊपर की तरफ जो तमाम लोग जो वेद प्रकाश के साथ में टेंडर खरीद के मामले में जो लोग शामिल थे जिन पर जो सवाल भेजे गए थे सवालों के जवाबों के बाद में ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो बाकी अधिकारियों से पूछताछ। कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। वसुंधरा का सिपाही बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला, साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। 27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री को और यहां के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं, जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए, कहा मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अम्बेडकर से कर रहे हैं,
ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूं और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है। ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के, अब वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री देंगे। दूसरा गुट कौन सा? दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी भाई साहब एक कार्रवाई बढ़ता जा रहा है। लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीछे हो गया है। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है, उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी जी एक ठीक नेतृत्व से खड़ा नहीं सकते। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पे नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। पर दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। ये तमाम बड़े बयान कैलाश मेघवाल की ओर से दिए गए। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ नेता साजिश करने में जुटे हैं। सतीश पुनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी सभी पर यह कटाक्ष किया गया कि सभी कांग्रेसी हैं, ये सभी नेता बीजेपी में आयातित हैं। तो कैलाश मेघवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे का अपमान हो रहा है। 1 लाख से जीत कराऊंगा, टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बाद बीजेपी की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो अपनी ही पार्टी पर लगातार कर एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, अपने ही नेताओं को महाभ्रष्ट भी बता दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कैलाश मेघवाल के सख्त तेवर देखने को मिले, सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लेकर नीचे तक आप समर्थकों में है क्या? आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के। अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1 लाख की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहां की स्थिति है, मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और उकल लेते इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश की राजनीति से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सियासी सरगर्मी के बीच एमएलए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महाभ्रष्ट बताया था। पीसी कौर एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई, जहां पर अपने ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा, ये बयान भी कैलाश मेघवाल की ओर से सामने आया था। कई नेताओं को उन्होंने कांग्रेसी भी बता दिया था। पीसी कौर अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी, कई नेताओं को बताया था कि ये महाभ्रष्ट है, कई नेताओं को कांग्रेस का बताया था और इसके बाद पार्टी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे, साजिश के भी आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे और एक एक कर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था उनकी ओर से। और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इसे लेकर शिकायत भी करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने महाभ्रष्ट बता दिया था। आपको
आपको सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है, अर्श से फर्श का जो सफर ये किया, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, मैंने कहा ना कि इसलिए लिखा कि मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ, तो मेरी मर्जी है जो राजनीति करूंगा, निकाल तो दिया ही। सुंदरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया, ये आप जानो मैं नहीं जानता, लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उसको लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ, मैंने अपने दम पे राजनीति की है, मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन? कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए, मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। तो कैलाश मेघवाल के बयान पर ओमकार सिंह का बयान भी सामने आया, लगातार जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया टिप्पणियां भी शुरू हो गई। अब एक और बयान सामने आया, सियासी सरगर्मियां इस वक्त जोरों पर हैं। सीपी जोशी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया था, ये बयान सामने आए हैं ओमकार सिंह की ओर से। पार्टी में अनुशासन भंग करने को लेकर नोटिस दिया गया था, मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है, पूरे प्रकरण को पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पे नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। तो वहीं आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर हरीश चौधरी का बयान भी सामने आया, आपको बताते चले कि उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या टिप्पणी की है। हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी ने बयान दिए हैं, इस व्यक्ति की नहीं ये विचारधारा की लड़ाई है, न नीति है न नियत है न ही कोई कार्यक्रम, कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन की कल्पना भी नहीं करता, इसे लेकर पार्टी में कोई विचार ही नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी के बयान सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, न तो इस व्यक्ति की कोई नीति है न ही नियत। आप बात कर रहे हैं उसकी विचारधारा है नहीं, उसके कोई कार्यक्रम है नहीं, नीति और नियत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर करो और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो उस बात के लिए बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता, कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई किसी और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है उसके सामने इस बात का कोई इस अंदर में कोई विचार ही नहीं आता तो मेरे विचार तो कैसे आ सकता है जिस व्यक्ति की आप बात करें उसकी। रुक करेंगे इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का, जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, योजना भवन ईडी की टीम पहुंची हुई है, योजना भवन के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, 15 अफसर की टीम से पूछताछ कर रही है। वेद प्रकाश यादव से गोल्ड कैश बरामद मामले में यह पूछताछ की जा रही है, कुल 15 ईडी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद है, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है, DOIT से जुड़े कर्मचारियों से अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हैं, वेद प्रकाश के साथ साथ जुड़े तमाम स्टाफ भी पूछताछ में है, तो कई स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, कई स्टाफ भी इस पूछताछ में शामिल हैं। प्रदेश में हुए जल जीवन मिशन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है, ईडी की टीम ने बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स में तकरीबन 9 किलो का सोना जब्त किया है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। जयपुर के रहने वाले ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी को 8 किलो सोना मिला है। जयपुर में लगातार ईडी की टीम का मूवमेंट जारी है, आज ईडी की टीम योजना भवन के दफ्तर में पहुंची हुई है जहां पर DOIT से जुड़े उन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है जो वेद प्रकाश स्टोर कीपर जो कि बाद में प्रोग्रामर बना जिसके पास में यहां पर बड़ी तादाद में कैश और गोल्ड मिला था, उस पूरे मामले में यहां पर तस्दीक जो है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ये योजना भवन का वो दफ्तर है जिसके बेसमेंट में और ऊपर की तरफ जो तमाम लोग जो वेद प्रकाश के साथ में टेंडर खरीद के मामले में जो लोग शामिल थे जिन पर जो सवाल भेजे गए थे, सवालों के जवाबों के बाद में ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो बाकी अधिकारियों से पूछताछ। कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। वसुंधरा का सिपाही, बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला, साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। 27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री को और यहां के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं। जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका सही हो जाए फैसला, तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए, कहा मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अंबेडकर से कर रहे हैं, ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूं और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है, वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के अब खास वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री लेंगे। दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भाई साहब एक आ रहा है, कारवा बढ़ता जा रहा है, मोबाइल पीछे का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप पीछे हो जा रहे हैं। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी जी एक ठीक नेतृत्व से खड़ा नहीं सकते। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सी कैलाश की मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। पर दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। ये तमाम बड़े बयान कैलाश मेघवाल की ओर से दिए गए। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ
नेता साजिश करने में जुटे हैं। सतीश पुनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी, सभी पर यह कटाक्ष किया गया कि सभी कांग्रेसी हैं। ये सभी नेता बीजेपी में आयातित हैं। तो कैलाश मेघवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे का अपमान हो रहा है। 1 लाख से जीत कराऊंगा, टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बाद बीजेपी की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो अपनी ही पार्टी पर लगातार कर एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, अपने ही नेताओं को महाभ्रष्ट भी बता दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कैलाश मेघवाल के सख्त तेवर देखने को मिले। सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लगाकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लगाकर नीचे तक। आप समर्थकों में है क्या? आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के। अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1 लाख की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहां की स्थिति है। मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और उकल लेते इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश की राजनीति से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सियासी सरगर्मी के बीच एमएलए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महाभ्रष्ट बताया था पीसी कौर, एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई, जहां पर अपने ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा, ये बयान भी कैलाश मेघवाल की ओर से सामने आया था। कई नेताओं को उन्होंने कांग्रेसी भी बता दिया था। पीसी कौर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी, कई नेताओं को बताया था कि ये महाभ्रष्ट है, कई नेताओं को कांग्रेस का बताया था और इसके बाद पार्टी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे, साजिश के भी आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे और एक एक कर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था उनकी ओर से। और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इसे लेकर शिकायत भी करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने महाभ्रष्ट बता दिया था। को सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है, अर्श से फर्श का जो सफर, ये किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ। मैंने कहा ना कि इसमें लिखा है, मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ। तो मेरी मर्जी है जो राजनीति करूंगा, निकाल तो दिया ही। सुंदरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया, ये आप जानो, मैं नहीं जानता। लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उससे लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ, मैंने अपने दम पे राजनीति की है, मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन? कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए। मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। तो कैलाश मेघवाल के बयान पर ओमकार सिंह का बयान भी सामने आया। लगातार जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, टिप्पणियां भी शुरू हो गई। अब एक और बयान सामने आया, सियासी सरगर्मियां इस वक्त जोरों पर हैं। सीपी जोशी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया था, ये बयान सामने आए हैं ओमकार सिंह की ओर से। पार्टी में अनुशासन भंग करने को लेकर नोटिस दिया गया था, मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रकरण को पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी पी जोशी जी ने हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था, उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। तो वहीं आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर हरीश चौधरी का बयान भी सामने आया। आपको बताते चले कि उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या टिप्पणी की है। हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी ने बयान दिए हैं,
इस व्यक्ति की नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है। न नीति है, न नियत है, न ही कोई कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन की कल्पना भी नहीं करता, इसे लेकर पार्टी में कोई विचार ही नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, न तो इस व्यक्ति की कोई नीति है, न ही नियत। आप बात कर रहे हैं उसकी विचारधारा है, नहीं उसके कोई कार्यक्रम है, नहीं नीति और नियत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो, ये मुझे नहीं पता। पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो इस बात के लिए बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई किसी और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से, कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है, उसके सामने इस बात का कोई इस संदर्भ में कोई विचार ही नहीं आता, तो मेरे विचार तो कैसे आ सकता है जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उसकी। रुक करेंगे इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, योजना भवन ईडी की टीम पहुंची हुई है। योजना भवन के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, 15 अफसर की टीम से पूछताछ कर रही है। वेद प्रकाश यादव से गोल्ड कैश बरामद मामले में यह पूछताछ की जा रही है। कुल 15 ईडी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद है, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। DOIT से जुड़े कर्मचारियों से अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हैं। वेद प्रकाश के साथ साथ जुड़े तमाम स्टाफ भी पूछताछ में है, तो कई स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, कई स्टाफ भी इस पूछताछ में शामिल हैं। प्रदेश में हुए जल जीवन मिशन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम ने बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स में तकरीबन 9 किलो का सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। जयपुर के रहने वाले ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी को 8 किलो सोना मिला है। जयपुर में लगातार ईडी की टीम का मूवमेंट जारी है। आज ईडी की टीम योजना भवन के दफ्तर में पहुंची हुई है, जहां पर DOIT से जुड़े उन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है जो वेद प्रकाश स्टोर कीपर, जो कि बाद में प्रोग्रामर बना, जिसके पास में यहां पर बड़ी तादाद में कैश और गोल्ड मिला था, उस पूरे मामले में यहां पर तस्दीक जो है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ये योजना भवन का वो दफ्तर है जिसके बेसमेंट में और ऊपर की तरफ जो तमाम लोग जो वेद प्रकाश के साथ में टेंडर खरीद के मामले में जो लोग शामिल थे, जिन पर जो सवाल भेजे गए थे, सवालों के जवाबों के बाद में ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो बाकी अधिकारियों से पूछताछ। कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। वसुंधरा का सिपाही, बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला, साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। 27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री को और यहां के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं, जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला,
तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए, कहा मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अंबेडकर से कर रहे हैं, ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूँ और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है, वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के, अब वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री देंगे। दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी भाई साहब जा रहा है, कारवा बढ़ता जा रहा है। मोबाइल पीछे, विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीछे हो रहा है। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है, उन सबको देखते हुए आज सब लोग सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी जी एक ठीक नेतृत्व से खड़ा नहीं कर सकते। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पे नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। पर दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। ये तमाम बड़े बयान कैलाश मेघवाल की ओर से दिए गए। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ नेता साजिश करने में जुटे हैं। सतीश पुनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी, सभी पर यह कटाक्ष किया गया कि सभी कांग्रेसी हैं, ये सभी नेता बीजेपी में आयातित हैं। तो कैलाश मेघवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे का अपमान हो रहा है। 1 लाख से जीत कराऊंगा, टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बाद बीजेपी की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो अपनी ही पार्टी पर लगातार कर एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, अपने ही नेताओं को महाभ्रष्ट भी बता दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कैलाश मेघवाल के सख्त तेवर देखने को मिले, सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लगाकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लगाकर नीचे तक। आप समर्थकों में क्या? आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के। अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1 लाख की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहां की स्थिति है, मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और उकल लेते इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश की राजनीति से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सियासी सरगर्मी के बीच एमएलए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महाभ्रष्ट बताया था पीसी कौरिक, और कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई जहां पर अपने ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा, ये बयान भी कैलाश मेघवाल की ओर से सामने आया था। कई नेताओं को उन्होंने कांग्रेसी भी बता दिया था। पीसी कर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी, कई नेताओं को बताया था कि ये महाभ्रष्ट है, कई नेताओं को कांग्रेस का बताया था, और इसके बाद पार्टी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे, साजिश के भी आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे, और एक एक कर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था उनकी ओर से, और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इसे लेकर शिकायत भी करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने महाभ्रष्ट बता दिया था। को सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है, अर्श से फर्श का जो सफर, ये किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, मैंने कहा ना कि इसलिए लिखा कि मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ, तो मेरी मर्जी है जो राजनीति करूंगा, निकाल तो दिया ही। सुंदरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया, ये आप जानो, मैं नहीं जानता। लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया, तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उसको लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ, मैंने अपने दम पे राजनीति की है, मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन? कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए, मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। तो कैलाश मेघवाल के बयान पर ओमकार सिंह का बयान भी सामने आया। लगातार जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, टिप्पणियां भी शुरू हो गई। अब एक और बयान सामने आया, सियासी सरगर्मियां इस वक्त जोरों पर हैं। सीपी जोशी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया था, ये बयान सामने आए हैं ओमकार सिंह की ओर से। पार्टी में अनुशासन भंग करने को लेकर नोटिस दिया गया था, मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रकरण को पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी पी जोशी जी ने हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पे नोटिस दिया गया था, उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है, और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। तो वहीं आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर हरीश चौधरी का बयान भी सामने आया। आपको बताते चले कि उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या टिप्पणी की है। हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी ने बयान दिए हैं, इस व्यक्ति की नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है, न नीति है, न नियत है, न ही कोई कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन की कल्पना भी नहीं करता, इसे लेकर पार्टी में कोई विचार ही नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, न तो इस व्यक्ति की कोई नीति है, न ही नियत। आप बात कर रहे हैं उसकी विचारधारा है? नहीं, उसके कोई कार्यक्रम है? नहीं। नीति और नियत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो, ये मुझे नहीं पता। पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो इस बात के लिए बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई किसी और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से, कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है, उसके सामने इस बात का कोई इस संदर्भ में कोई विचार ही नहीं आता, तो मेरा विचार तो कैसे आ सकता है जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उसके विचार। रुक करेंगे इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, योजना भवन ईडी की टीम पहुंची हुई है, योजना भवन के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, 15 अफसर की टीम से पूछताछ कर रही है। वेद प्रकाश यादव से गोल्ड कैश बरामद मामले में यह पूछताछ की जा रही है। कुल 15 ईडी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद है, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। DOIT से जुड़े कर्मचारियों से अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हैं। वेद प्रकाश के साथ साथ जुड़े तमाम स्टाफ भी पूछताछ में है। तो
कई स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, कई स्टाफ भी इस पूछताछ में शामिल हैं। प्रदेश में हुए जल जीवन मिशन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम ने बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स में तकरीबन 9 किलो का सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। जयपुर के रहने वाले ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी को 8 किलो सोना मिला है। जयपुर में लगातार ईडी की टीम का मूवमेंट जारी है। आज ईडी की टीम योजना भवन के दफ्तर में पहुंची हुई है, जहां पर डीओआईटी से जुड़े उन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है जो वेद प्रकाश स्टोर कीपर, जो कि बाद में प्रोग्रामर बना, जिसके पास में यहां पर बड़ी तादाद में कैश और गोल्ड मिला था, उस पूरे मामले में यहां पर तस्दीक जो है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ये योजना भवन का वो दफ्तर है जिसके बेसमेंट में और ऊपर की तरफ जो तमाम लोग जो वेद प्रकाश के साथ में टेंडर खरीद के मामले में जो लोग शामिल थे, जिन पर जो सवाल भेजे गए थे, सवालों के जवाबों के बाद में ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो बाकी अधिकारियों से पूछताछ। कैलाश मेघवाल, बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। वसुंधरा का सिपाही, बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला, साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। 27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री को और यहां के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं, जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला, तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए, कहा मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अंबेडकर से कर रहे हैं, ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूं और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है, वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भाई साहब एक आ रहा है, कारवा बढ़ता जा रहा है। मोबाइल पीछे, विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप पीछे हो जाए। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज
सर्वोच्च पर पहुंच रहा है, उन सबको देखते हुए आज सब लोग सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक ठीक नेतृत्व से खड़ा नहीं सकता। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सी कैलाश की मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पे नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिकता करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। पर दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। ये तमाम बड़े बयान कैलाश मेघवाल की ओर से दिए गए। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ नेता साजिश करने में जुटे हैं। सतीश पुनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी सभी पर ये कटाक्ष किया गया कि सभी कांग्रेसी हैं, ये सभी नेता बीजेपी में आयातित हैं। तो कैलाश मेघवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे का अपमान हो रहा है। 1 लाख से जीत कराऊंगा, टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बाद बीजेपी की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो अपनी ही पार्टी पर लगातार कर एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, अपने ही नेताओं को महाभ्रष्ट भी बता दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कैलाश मेघवाल के सख्त तेवर देखने को मिले, सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लगाकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लगाकर नीचे तक आप समर्थकों में है क्या? आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के, अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1 लाख की लीड से जीत के आऊंगा, ये मेरी वहां की स्थिति है। मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और उकल लेते इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश की राजनीति से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सियासी सरगर्मी के बीच एमएलए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महाभ्रष्ट बताया था पीसी कौर, एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई, जहां पर अपने ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा, ये बयान भी कैलाश मेघवाल की ओर से सामने आया था। कई नेताओं को उन्होंने कांग्रेसी भी बता दिया था। पीसी कौर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी, कई नेताओं को बताया था कि ये महाभ्रष्ट है, कई नेताओं को कांग्रेस का बताया था और इसके बाद पार्टी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे, साजिश के भी आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे और एक एक कर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था उनकी ओर से। और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इसे लेकर शिकायत भी करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने महाभ्रष्ट बता दिया था। सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है, अर्श से फर्श का जो सफर, ये किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, मैंने कहा ना कि इसलिए लिखा का मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ। तो मेरी मर्जी है, जो राजनीति करूंगा निकाल तो दिया ही। सुंदरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया, ये अब आप जानो, मैं नहीं जानता। लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उससे लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ, मैंने अपने दम पे राजनीति की है, मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन? कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए, मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। तो कैलाश मेघवाल के बयान पर
ओमकार सिंह का बयान भी सामने आया। लगातार जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, टिप्पणियां भी शुरू हो गई। अब एक और बयान सामने आया, सियासी सरगर्मियां इस वक्त जोरों पर हैं। सीपी जोशी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया था, ये बयान सामने आए हैं ओमकार सिंह की ओर से। पार्टी में अनुशासन भंग करने को लेकर नोटिस दिया गया था, मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रकरण को पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी पी जोशी जी ने हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था, उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। तो वहीं आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर हरीश चौधरी का बयान भी सामने आया। आपको बताते चले कि उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या टिप्पणी की है। हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी ने बयान दिए हैं, इस व्यक्ति की नहीं ये विचारधारा की लड़ाई है, न नीति है, न नियत है, न ही कोई कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन की कल्पना भी नहीं करता, इसे लेकर पार्टी में कोई विचार ही नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, न तो इस व्यक्ति की कोई नीति है, न ही नियत। आप बात कर रहे हो उसकी विचारधारा है, नहीं उसके कोई कार्यक्रम है, नहीं नीति और नियत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उस बात के लिए बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से, कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है, उसके सामने इस बात का कोई इस संदर्भ में कोई विचार ही नहीं आता, तो मेरे विचार तो कैसे आ सकता है जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उसकी। रुक करेंगे इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, योजना भवन ईडी की टीम पहुंची हुई है। योजना भवन के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, 15 अफसर की टीम से पूछताछ कर रही है। वेद प्रकाश यादव से गोल्ड कैश बरामद मामले में ये पूछताछ की जा रही है। कुल 15 ईडी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद है, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। DOIT से जुड़े कर्मचारियों से अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हैं। वेद प्रकाश के साथ साथ जुड़े तमाम स्टाफ भी पूछताछ में है, तो कई स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, कई स्टाफ भी इस पूछताछ में शामिल हैं। प्रदेश में हुए जल जीवन मिशन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम ने बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स में तकरीबन 9 किलो का सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। जयपुर के रहने वाले ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी को 8 किलो सोना मिला है। जयपुर में लगातार ईडी की टीम का मूवमेंट जारी है। आज ईडी की टीम योजना भवन के दफ्तर में पहुंची हुई है, जहां पर DOIT से जुड़े उन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है जो वेद प्रकाश स्टोर कीपर, जो कि बाद में प्रोग्रामर बना, जिसके पास में यहां पर बड़ी तादाद में कैश और गोल्ड मिला था, उस पूरे मामले में यहां पर तस्दीक जो है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ये योजना भवन का वो दफ्तर है जिसके बेसमेंट में और ऊपर की तरफ जो तमाम लोग जो वेद प्रकाश के साथ में टेंडर खरीद के मामले में जो लोग शामिल थे, जिन पर जो सवाल भेजे गए थे, सवालों के जवाबों के बाद में ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो बाकी अधिकारियों से पूछताछ। कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। वसुंधरा का सिपाही, बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला, साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था।
27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री और यहां के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं। जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला, तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए, कहा मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अंबेडकर से कर रहे हैं, ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूँ और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है, वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के, अब खास वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी भाई साहब जा रहा है, कारवा बढ़ता जा रहा है, मोबाइल पीछे का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीछे हो रहा है। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी जी एक ठीक नेतृत्व से खड़ा नहीं है। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। पर दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। ये तमाम बड़े बयान कैलाश मेघवाल की ओर से दिए गए। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ नेता साजिश करने में जुटे हैं। सतीश पुनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी सभी पर यह कटाक्ष किया गया कि सभी कांग्रेसी हैं, ये सभी नेता बीजेपी में आयातित हैं। तो कैलाश मेघवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे का अपमान हो रहा है। 1 लाख से जीत कराऊंगा, टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बाद बीजेपी की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो अपनी ही पार्टी पर लगातार कर एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, अपने ही नेताओं को महाभ्रष्ट भी बता दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कैलाश मेघवाल के सख्त तेवर देखने को मिले, सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है।
ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लगाकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लगाकर नीचे तक। आप समर्थकों में है क्या? आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के, अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1,00,000 की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहां की स्थिति है, मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और उकल लेते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश की राजनीति से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सियासी सरगर्मी के बीच एमएलए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महाभ्रष्ट बताया था पीसी कौर के कर, कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई जहां पर अपने ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा, ये बयान भी कैलाश मेघवाल की ओर से सामने आया था। कई नेताओं को उन्होंने कांग्रेसी भी बता दिया था। पीसी कौर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी, कई नेताओं को बताया था कि ये महाभ्रष्ट है, कई नेताओं को कांग्रेस का बताया था और इसके बाद पार्टी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे, साजिश के भी आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे और एक एक कर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था उनकी ओर से। और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इसे लेकर शिकायत भी करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने महाभ्रष्ट बता दिया था। को सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है, अर्श से फर्श का जो सफर ये किया, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, मैंने कहा ना कि इसलिए लिखा का मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ। तो मेरी मर्जी है, जो राजनीति करूंगा निकाल तो दिया ही। सुंदरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया, ये आप जानो मैं नहीं जानता। लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उसको लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ, मैंने अपने दम पे राजनीति की है, मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन? कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए, मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। तो कैलाश मेघवाल के बयान पर ओमकार सिंह का बयान भी सामने आया। लगातार जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया टिप्पणियां भी शुरू हो गई। अब एक और बयान सामने आया, सियासी सरगर्मियां इस वक्त जोरों पर हैं। सीपी जोशी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया था, ये बयान सामने आए हैं ओमकार सिंह की ओर से। पार्टी में अनुशासन भंग करने को लेकर नोटिस दिया गया था, मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रकरण को पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी पी जोशी जी ने हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पे नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। तो वहीं आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर हरीश चौधरी का बयान भी सामने आया। आपको बताते चले कि उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या टिप्पणी की है। हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी ने बयान दिए हैं, इस व्यक्ति की नहीं ये विचारधारा की लड़ाई है, न नीति है न नियत है न ही कोई कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन की कल्पना भी नहीं करता, इसे लेकर पार्टी में कोई विचार ही नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, न तो इस व्यक्ति की कोई नीति है न ही नियत। आप बात कर रहे हैं उसकी विचारधारा है नहीं, उसके कोई कार्यक्रम है नहीं, नीति और नियत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो कांग्रेस का कार्यकर्ता उस बात के लिए बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई किसी और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है उसके सामने इस बात का कोई
इस अंदर में कोई विचार ही नहीं आता तो मेरा विचार तो कैसे आ सकता है जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उसकी विचार। रुक करेंगे इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, योजना भवन ईडी की टीम पहुंची हुई है। योजना भवन के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, 15 अफसर्स की टीम से पूछताछ कर रही है। वेद प्रकाश यादव से गोल्ड कैश बरामद मामले में ये पूछताछ की जा रही है। कुल 15 ईडी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद है, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। DOIT से जुड़े कर्मचारियों से अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हैं। वेद प्रकाश के साथ साथ जुड़े तमाम स्टाफ भी पूछताछ में है, तो कई स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, कई स्टाफ भी इस पूछताछ में शामिल हैं। प्रदेश में हुए जल जीवन मिशन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम ने बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स में तकरीबन 9 किलो का सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। जयपुर के रहने वाले ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी को 8 किलो सोना मिला है। जयपुर में लगातार ईडी की टीम का मूवमेंट जारी है। आज ईडी की टीम योजना भवन के दफ्तर में पहुंची हुई है, जहां पर DOIT से जुड़े उन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है जो वेद प्रकाश स्टोर कीपर, जो कि बाद में प्रोग्रामर बना, जिसके पास में यहां पर बड़ी तादाद में कैश और गोल्ड मिला था, उस पूरे मामले में यहां पर तस्दीक जो है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ये योजना भवन का वो दफ्तर है जिसके बेसमेंट में और ऊपर की तरफ जो तमाम लोग जो वेद प्रकाश के साथ में टेंडर खरीद के मामले में जो लोग शामिल थे, जिन पर जो सवाल भेजे गए थे, सवालों के जवाबों के बाद में ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो बाकी अधिकारियों से पूछताछ। कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। वसुंधरा का सिपाही, बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला, साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। 27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री और यहां के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं, जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला, तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए, कहा मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अम्बेडकर से कर रहे हैं, ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूँ और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है, वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के अब खास वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री।
दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई बढ़ता जा रहा है, मोबाइल पीछे का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीछे हो जाएगा। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है, उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक ठीक नेतृत्व से खड़ा नहीं सकता। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सी कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पे नोटिस दिया गया था, उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। पर दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। ये तमाम बड़े बयान कैलाश मेघवाल की ओर से दिए गए। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ नेता साजिश करने में जुटे हैं। सतीश पुनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी, सभी पर यह कटाक्ष किया गया कि सभी कांग्रेसी हैं, ये सभी नेता बीजेपी में आयातित हैं। तो कैलाश मेघवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे का अपमान हो रहा है। 1 लाख से जीत कराऊंगा, टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बाद बीजेपी की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो अपनी ही पार्टी पर लगातार कर एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, अपने ही नेताओं को महाभ्रष्ट भी बता दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कैलाश मेघवाल के सख्त तेवर देखने को मिले, सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लेकर नीचे तक। आप समर्थकों में है क्या? आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के। अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1 लाख की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहां की स्थिति है, मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और उकल लेते इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश की राजनीति से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सियासी सरगर्मी के बीच एमएलए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महाभ्रष्ट बताया था पीसी कर एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई, जहां पर अपने ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा, ये बयान भी कैलाश मेघवाल की ओर से सामने आया था। कई नेताओं को उन्होंने कांग्रेसी भी बता दिया था। पीसी कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी, कई नेताओं को बताया था कि ये महाभ्रष्ट है, कई नेताओं को कांग्रेस का बताया था और इसके बाद पार्टी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे, साजिश के भी आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे और एक एक कर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था उनकी ओर से। और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इसे लेकर शिकायत भी करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने महाभ्रष्ट बता दिया था। को सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है, अर्श से फर्श का जो सफर ये किया, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, मैंने कहा ना कि इसलिए लिखा मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ। तो मेरी मर्जी है, जो राजनीति करूंगा निकाल तो दिया ही। सुंदरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया, ये आप जानो मैं नहीं जानता। लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उससे लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ, मैंने अपने दम पे राजनीति की है,
मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन? कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए, मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। तो कैलाश मेघवाल के बयान पर ओमकार सिंह का बयान भी सामने आया। लगातार जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया टिप्पणियां भी शुरू हो गई। अब एक और बयान सामने आया, सियासी सरगर्मियां इस वक्त जोरों पर हैं। सीपी जोशी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया था, ये बयान सामने आए हैं ओमकार सिंह की ओर से। पार्टी में अनुशासन भंग करने को लेकर नोटिस दिया गया था, मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रकरण को पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी पी जोशी जी ने हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पे नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। तो वहीं आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर हरीश चौधरी का बयान भी सामने आया। आपको बताते चले कि उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या टिप्पणी की है। हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी ने बयान दिए हैं, इस व्यक्ति की नहीं ये विचारधारा की लड़ाई है, न नीति है न नियत है न ही कोई कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन की कल्पना भी नहीं करता, इसे लेकर पार्टी में कोई विचार ही नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, न तो इस व्यक्ति की कोई नीति है न ही नियत। आप बात कर रहे हैं उसकी विचारधारा है नहीं, उसके कोई कार्यक्रम है नहीं, नीति और नियत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो कांग्रेस का कार्यकर्ता उस बात के लिए बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई किसी और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है उसके सामने इस बात का कोई इस अंदर में कोई विचार ही नहीं आता तो मेरा विचार तो कैसे आ सकता है जिस व्यक्ति की आप बात करें उसके विचार। रुक करेंगे इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, योजना भवन ईडी की टीम पहुंची हुई है। योजना भवन के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, 15 अफसर्स की टीम से पूछताछ कर रही है। वेद प्रकाश यादव से गोल्ड कैश बरामद मामले में यह पूछताछ की जा रही है। कुल 15 ईडी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद है, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। DOIT से जुड़े कर्मचारियों से अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हैं। वेद प्रकाश के साथ साथ जुड़े तमाम स्टाफ भी पूछताछ में है, तो कई स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, कई स्टाफ भी इस पूछताछ में शामिल हैं। प्रदेश में हुए जल जीवन मिशन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम ने बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स में तकरीबन 9 किलो का सोना जब्त किया है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। जयपुर के रहने वाले ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी को 8 किलो सोना मिला है। जयपुर में लगातार ईडी की टीम का मूवमेंट जारी है। आज ईडी की टीम योजना भवन के दफ्तर में पहुंची हुई है जहां पर DOIT से जुड़े उन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है जो वेद प्रकाश स्टोर कीपर जो कि बाद में प्रोग्रामर बना जिसके पास में यहां पर बड़ी तादाद में कैश और गोल्ड मिला था, उस पूरे मामले में यहां पर तस्दीक जो है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ये योजना भवन का वो दफ्तर है जिसके बेसमेंट में और ऊपर की तरफ जो तमाम लोग जो वेद प्रकाश के साथ में टेंडर खरीद के मामले में जो लोग शामिल थे जिन पर जो सवाल भेजे गए थे, सवालों के जवाबों के बाद में ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो बाकी अधिकारियों से पूछताछ। कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। वसुंधरा का सिपाही बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित,
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला, साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। 27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री और यहां के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं। जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला, तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए, कहा मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अंबेडकर से कर रहे हैं, ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूँ और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है, वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के, अब खास वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी भाई साहब एक आ रहा है, कारवा बढ़ता जा रहा है, मोबाइल पीछे का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीछे हो जाएगा। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक ठीक नेतृत्व से खड़ा नहीं सकता। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सी कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। पर दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। ये तमाम बड़े बयान कैलाश मेघवाल की ओर से दिए गए। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ नेता साजिश करने में जुटे हैं। सतीश पुनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी सभी पर यह कटाक्ष किया गया कि सभी कांग्रेसी हैं, ये सभी नेता बीजेपी में आयातित हैं। तो कैलाश मेघवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे का अपमान हो रहा है। 1 लाख से जीत कराऊंगा, टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है, लेकिन आपको बताते चले कि इसके बाद
बीजेपी की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो अपनी ही पार्टी पर लगातार कर एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, अपने ही नेताओं को महाभ्रष्ट भी बता दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कैलाश मेघवाल के सख्त तेवर देखने को मिले, सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लेकर नीचे तक। आप समर्थकों में है क्या? आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के। अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1,00,000 की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहां की स्थिति है, मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और उकल लेते इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश की राजनीति से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सियासी सरगर्मी के बीच एमएलए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महाभ्रष्ट बताया था पीसी कौर, एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई, जहां पर अपने ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा, ये बयान भी कैलाश मेघवाल की ओर से सामने आया था। कई नेताओं को उन्होंने कांग्रेसी भी बता दिया था। पीसी कौर अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी, कई नेताओं को बताया था कि ये महाभ्रष्ट है, कई नेताओं को कांग्रेस का बताया था और इसके बाद पार्टी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे, साजिश के भी आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे और एक एक कर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था उनकी ओर से। और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इसे लेकर शिकायत भी करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने महाभ्रष्ट बता दिया था। को सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है, अर्श से फर्श का जो सफर ये किया, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ। मैंने कहा ना कि इसलिए लिखूं मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ। तो मेरी मर्जी है, जो राजनीति करूंगा निकाल तो दिया ही। सुंदरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया, ये आप जानो, मैं नहीं जानता। लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उससे लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ, मैंने अपने दम पे राजनीति की है, मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन? कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए, मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। तो कैलाश मेघवाल के बयान पर ओमकार सिंह का बयान भी सामने आया। लगातार जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया टिप्पणियां भी शुरू हो गई। अब एक और बयान सामने आया, सियासी सरगर्मियां इस वक्त जोरों पर हैं। सीपी जोशी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया था, ये बयान सामने आए हैं ओमकार सिंह की ओर से। पार्टी में अनुशासन भंग करने को लेकर नोटिस दिया गया था, मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रकरण को पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी पी जोशी जी ने हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। तो वहीं आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर हरीश चौधरी का बयान भी सामने आया। आपको बताते चले कि उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या टिप्पणी की है। हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी ने बयान दिए हैं, इस व्यक्ति की नहीं ये विचारधारा की लड़ाई है, न नीति है न नियत है न ही कोई कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन की कल्पना भी नहीं करता, इसे लेकर पार्टी में कोई विचार ही नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, न तो इस व्यक्ति की कोई नीति है न ही नियत। आप बात कर रहे हैं उसकी विचारधारा है नहीं, उसके कोई कार्यक्रम है नहीं,
नीति और नियत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर कर और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, उस बात के लिए बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई किसी और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से, कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है, उसके सामने इस बात का कोई इस संदर्भ में कोई विचार ही नहीं आता, तो मेरा विचार तो कैसे आ सकता है जिस व्यक्ति की आप बात करें उसके विचार। रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, योजना भवन ईडी की टीम पहुंची हुई है। योजना भवन के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, 15 अफसर्स की टीम से पूछताछ कर रही है। वेद प्रकाश यादव से गोल्ड कैश बरामद मामले में यह पूछताछ की जा रही है। कुल 15 ईडी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद है, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। DOIT से जुड़े कर्मचारियों से अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हैं। वेद प्रकाश के साथ साथ जुड़े तमाम स्टाफ भी पूछताछ में है, तो कई स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, कई स्टाफ भी इस पूछताछ में शामिल हैं। प्रदेश में हुए जल जीवन मिशन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम ने बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स में तकरीबन 9 किलो का सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। जयपुर के रहने वाले ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी को 8 किलो सोना मिला है। जयपुर में लगातार ईडी की टीम का मूवमेंट जारी है। आज ईडी की टीम योजना भवन के दफ्तर में पहुंची हुई है, जहां पर DOIT से जुड़े उन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है, जो वेद प्रकाश स्टोर कीपर, जो कि बाद में प्रोग्रामर बना, जिसके पास में यहां पर बड़ी तादाद में कैश और गोल्ड मिला था, उस पूरे मामले में यहां पर तस्दीक जो है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ये योजना भवन का वो दफ्तर है जिसके बेसमेंट में और ऊपर की तरफ जो तमाम लोग जो वेद प्रकाश के साथ में टेंडर खरीद के मामले में जो लोग शामिल थे, जिन पर जो सवाल भेजे गए थे, सवालों के जवाबों के बाद में ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो बाकी अधिकारियों से पूछताछ। कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। वसुंधरा का सिपाही, बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला, साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। 27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री और यहां के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं, जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला, तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए, कहा मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अम्बेडकर से कर रहे हैं,
ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूं और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है। ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के, अब खास वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई बढ़ता जा रहा है। मोबाइल पीछे, विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीछे हो जाएगा। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है, उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक ठीक नेतृत्व से खड़ा नहीं सकता। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सी कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था, उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। ये तमाम बड़े बयान कैलाश मेघवाल की ओर से दिए गए। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ नेता साजिश करने में जुटे हैं। सतीश पुनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी, सभी पर यह कटाक्ष किया गया कि सभी कांग्रेसी हैं, ये सभी नेता बीजेपी में आयातित हैं। तो कैलाश मेघवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे का अपमान हो रहा है। 1 लाख से जीत कराऊंगा, टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बाद बीजेपी की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो अपनी ही पार्टी पर लगातार कर एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, अपने ही नेताओं को महाभ्रष्ट भी बता दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कैलाश मेघवाल के सख्त तेवर देखने को मिले, सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लगाकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लगाकर नीचे तक। आप समर्थकों में है क्या? आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के। अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1 लाख की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहां की स्थिति है, मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और उकल लेते इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश की राजनीति से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सियासी सरगर्मी के बीच एमएलए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महाभ्रष्ट बताया था पीसी कौर, एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई, जहां पर अपने ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा, ये बयान भी कैलाश मेघवाल की ओर से सामने आया था। कई नेताओं को उन्होंने कांग्रेसी भी बता दिया था। पीसी कौर अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी, कई नेताओं को बताया था कि ये महाभ्रष्ट है, कई नेताओं को कांग्रेस का बताया था और इसके बाद पार्टी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे, साजिश के भी आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे और एक एक कर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था उनकी ओर से। और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इसे लेकर शिकायत भी करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने महाभ्रष्ट बता दिया था। आप
आपको सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है, अर्श से फर्श का जो सफर ये किया, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, मैंने कहा ना कि इसलिए लिखा मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ, तो मेरी मर्जी है जो राजनीति करूंगा, अधिकार तो दिया ही। सुंदरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया, ये आप जानो मैं नहीं जानता, लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उससे लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ, मैंने अपने दम पे राजनीति की है, मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन? कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए, मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। तो कैलाश मेघवाल के बयान पर ओमकार सिंह का बयान भी सामने आया, लगातार जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया टिप्पणियां भी शुरू हो गई। अब एक और बयान सामने आया, सियासी सरगर्मियां इस वक्त जोरों पर हैं। सीपी जोशी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया था, ये बयान सामने आए हैं ओमकार सिंह की ओर से। पार्टी में अनुशासन भंग करने को लेकर नोटिस दिया गया था, मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है, पूरे प्रकरण को पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी पी जोशी जी ने हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। तो वहीं आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर हरीश चौधरी का बयान भी सामने आया। आपको बताते चले कि उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या टिप्पणी की है। हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी ने बयान दिए हैं, इस व्यक्ति की नहीं ये विचारधारा की लड़ाई है, न नीति है न नियत है न ही कोई कार्यक्रम, कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन की कल्पना भी नहीं करता, इसे लेकर पार्टी में कोई विचार ही नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी के बयान सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, न तो इस व्यक्ति की कोई नीति है न ही नियत। आप बात कर रहे हैं उसकी विचारधारा है नहीं, उसके कोई कार्यक्रम है नहीं, नीति और नियत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो कांग्रेस का कार्यकर्ता उस बात के लिए बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता, कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई किसी और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है उसके सामने इस बात का कोई इस अंदर में कोई विचार ही नहीं आता तो मेरा विचार तो कैसे आ सकता है जिस व्यक्ति की आप बात करें उसके विचार। रुक करेंगे इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का, जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, योजना भवन ईडी की टीम पहुंची हुई है, योजना भवन के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, 15 अफसर्स की टीम से पूछताछ कर रही है, वेद प्रकाश यादव से गोल्ड कैश बरामद मामले में ये पूछताछ की जा रही है, कुल 15 ईडी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद है, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है, DOIT से जुड़े कर्मचारियों से अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हैं, वेद प्रकाश के साथ साथ जुड़े तमाम स्टाफ भी पूछताछ में है, तो कई स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, कई स्टाफ भी इस पूछताछ में शामिल हैं। प्रदेश में हुए जल जीवन मिशन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है, ईडी की टीम ने बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स में तकरीबन 9 किलो का सोना जब्त किया है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। जयपुर के रहने वाले ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी को 8 किलो सोना मिला है। जयपुर में लगातार ईडी की टीम का मूवमेंट जारी है, आज ईडी की टीम योजना भवन के दफ्तर में पहुंची हुई है जहां पर DOIT से जुड़े उन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है जो वेद प्रकाश स्टोर कीपर जो कि बाद में प्रोग्रामर बना जिसके पास में यहां पर बड़ी तादाद में कैश और गोल्ड मिला था, उस पूरे मामले में यहां पर तस्दीक जो है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ये योजना भवन का वो दफ्तर है जिसके बेसमेंट में और ऊपर की तरफ जो तमाम लोग जो वेद प्रकाश के साथ में टेंडर खरीद के मामले में जो लोग शामिल थे जिन पर जो सवाल भेजे गए थे, सवालों के जवाबों के बाद में ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो बाकी अधिकारियों से पूछताछ। कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। वसुंधरा का सिपाही बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला, साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। 27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री और यहां के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं। जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए, कहा मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अंबेडकर से कर रहे हैं, ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूँ और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है, वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के अब खास वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी भाई साहब एक आ रहा है, कारवा बढ़ता जा रहा है। मोबाइल पीछे यार, विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीछे हो जा रहा है। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी जी एक ठीक नेतृत्व से खड़ा नहीं सकते। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सी कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। पर दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। ये तमाम बड़े बयान कैलाश मेघवाल की ओर से दिए गए। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ नेता साजिश करने में जुटे हैं,
सतीश पुनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी सभी पर यह कटाक्ष किया गया कि सभी कांग्रेसी हैं, ये सभी नेता बीजेपी में आयातित हैं। तो कैलाश मेघवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे का अपमान हो रहा है। 1 लाख से जीत कराऊंगा, टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बाद बीजेपी की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो अपनी ही पार्टी पर लगातार कर एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, अपने ही नेताओं को महाभ्रष्ट भी बता दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कैलाश मेघवाल के सख्त तेवर देखने को मिले, सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लगाकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लगाकर नीचे तक। आप समर्थकों में है क्या? आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के। अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1 लाख की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहां की स्थिति है, मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और उकल लेते इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश की राजनीति से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सियासी सरगर्मी के बीच एमएलए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महाभ्रष्ट बताया था पीसी कौर, एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई, जहां पर अपने ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा, ये बयान भी कैलाश मेघवाल की ओर से सामने आया था। कई नेताओं को उन्होंने कांग्रेसी भी बता दिया था। पीसी कौर अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी, कई नेताओं को बताया था कि ये महाभ्रष्ट है, कई नेताओं को कांग्रेस का बताया था और इसके बाद पार्टी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे, साजिश के भी आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे और एक एक कर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था उनकी ओर से। और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इसे लेकर शिकायत भी करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने महाभ्रष्ट बता दिया था। को सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है, अर्श से फर्श का जो सफर ये किया, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ। मैंने कहा ना कि इसलिए लिखूं मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ। तो मेरी मर्जी है, जो राजनीति करूंगा निकाल तो दिया ही। सुंदरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया, ये आप जानो, मैं नहीं जानता। लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उससे लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ, मैंने अपने दम पे राजनीति की है, मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन? कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए, मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। तो कैलाश मेघवाल के बयान पर ओमकार सिंह का बयान भी सामने आया। लगातार जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया टिप्पणियां भी शुरू हो गई। अब एक और बयान सामने आया, सियासी सरगर्मियां इस वक्त जोरों पर हैं। सीपी जोशी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया था, ये बयान सामने आए हैं ओमकार सिंह की ओर से। पार्टी में अनुशासन भंग करने को लेकर नोटिस दिया गया था, मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रकरण को पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी पी जोशी जी ने हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। तो वहीं आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर हरीश चौधरी का बयान भी सामने आया। आपको बताते चले कि उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या टिप्पणी की है। हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी ने बयान दिए हैं,
इस व्यक्ति की नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है। न नीति है, न नियत है, न ही कोई कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन की कल्पना भी नहीं करता, इसे लेकर पार्टी में कोई विचार ही नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, न तो इस व्यक्ति की कोई नीति है, न ही नियत। आप बात कर रहे हैं, उसकी विचारधारा है नहीं, उसके कोई कार्यक्रम है नहीं, नीति और नियत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो इस बात के लिए बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से, कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है, उसके सामने इस बात का कोई इस अंदर में कोई विचार ही नहीं आता, तो मेरा विचार तो कैसे आ सकता है जिस व्यक्ति की आप बात करें उसके विचार। रुक करेंगे इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, योजना भवन ईडी की टीम पहुंची हुई है। योजना भवन के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, 15 अफसर्स की टीम से पूछताछ कर रही है। वेद प्रकाश यादव से गोल्ड कैश बरामद मामले में यह पूछताछ की जा रही है। कुल 15 ईडी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद है, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। DOIT से जुड़े कर्मचारियों से अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हैं। वेद प्रकाश के साथ साथ जुड़े तमाम स्टाफ भी पूछताछ में है, तो कई स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, कई स्टाफ भी पूछताछ में शामिल हैं। प्रदेश में हुए जल जीवन मिशन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम ने बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स में तकरीबन 9 किलो का सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। जयपुर के रहने वाले ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी को 8 किलो सोना मिला है। जयपुर में लगातार ईडी की टीम का मूवमेंट जारी है। आज ईडी की टीम योजना भवन के दफ्तर में पहुंची हुई है, जहां पर DOIT से जुड़े उन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है, जो वेद प्रकाश स्टोर कीपर, जो कि बाद में प्रोग्रामर बना, जिसके पास में यहां पर बड़ी तादाद में कैश और गोल्ड मिला था, उस पूरे मामले में यहां पर तस्दीक जो है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ये योजना भवन का वो दफ्तर है जिसके बेसमेंट में और ऊपर की तरफ जो तमाम लोग जो वेद प्रकाश के साथ में टेंडर खरीद के मामले में जो लोग शामिल थे, जिन पर जो सवाल भेजे गए थे, सवालों के जवाबों के बाद में ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो बाकी अधिकारियों से पूछताछ। कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। वसुंधरा का सिपाही, बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई, अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला, साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। 27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री और यहां के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं, जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला, त-
तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए, कहा मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अंबेडकर से कर रहे हैं, ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूँ और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है, वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के, अब खास वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई बढ़ता जा रहा है, मोबाइल पीछे, विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीछे हो गया। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है, उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी जी एक ठीक नेतृत्व। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पे नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। पर दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। ये तमाम बड़े बयान कैलाश मेघवाल की ओर से दिए गए। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ नेता साजिश करने में जुटे हैं। सतीश पुनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी, सभी पर यह कटाक्ष किया गया कि सभी कांग्रेसी हैं, ये सभी नेता बीजेपी में आयातित हैं। तो कैलाश मेघवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे का अपमान हो रहा है। 1 लाख से जीत कराऊंगा, टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बाद बीजेपी की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो अपनी ही पार्टी पर लगातार कर एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, अपने ही नेताओं को महाभ्रष्ट भी बता दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कैलाश मेघवाल के सख्त तेवर देखने को मिले, सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लगाकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लगाकर नीचे तक। आप समर्थकों में है क्या? आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के। अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1 लाख की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहां की स्थिति है, मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और उकल लेते इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश की राजनीति से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सियासी सरगर्मी के बीच एमएलए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महाभ्रष्ट बताया था पीसी कौर, एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई, जहां पर अपने ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा, ये बयान भी कैलाश मेघवाल की ओर से सामने आया था। कई नेताओं को उन्होंने कांग्रेसी भी बता दिया था। पीसी कौर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी, कई नेताओं को बताया था कि ये महाभ्रष्ट है, कई नेताओं को कांग्रेस का बताया था, और इसके बाद पार्टी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे, साजिश के भी आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे, और एक एक कर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था उनकी ओर से, और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इसे लेकर शिकायत भी करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने महाभ्रष्ट बता दिया था। को सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है, अर्श से फर्श का जो सफर, ये किस तरह से महसूस? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, मैंने कहा ना कि इसलिए लिखा मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ, तो मेरी मर्जी है जो राजनीति करूंगा, निकाल तो दिया ही। सुंदरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया, ये आप जानो, मैं नहीं जानता, लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उससे लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ, मैंने अपने दम पे राजनीति की है, मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए, मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। तो कैलाश मेघवाल के बयान पर ओमकार सिंह का बयान भी सामने आया, लगातार जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया टिप्पणियां भी शुरू हो गई। अब एक और बयान सामने आया, सियासी सरगर्मियां इस वक्त जोरों पर हैं। सीपी जोशी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया था, ये बयान सामने आए हैं ओमकार सिंह की ओर से। पार्टी में अनुशासन भंग करने को लेकर नोटिस दिया गया था, मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है, पूरे प्रकरण को पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी पी जोशी जी ने हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था, उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है, और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। तो वहीं आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर हरीश चौधरी का बयान भी सामने आया। आपको बताते चले कि उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या टिप्पणी की है। हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी ने बयान दिए हैं, इस व्यक्ति की नहीं ये विचारधारा की लड़ाई है, न नीति है, न नियत है, न ही कोई कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन की कल्पना भी नहीं करता, इसे लेकर पार्टी में कोई विचार ही नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी के बयान सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, न तो इस व्यक्ति की कोई नीति है, न ही नियत। आप बात कर रहे हैं उसकी विचारधारा है, नहीं उसके कोई कार्यक्रम है, नहीं नीति और नियत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर करो और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, उस बात के लिए बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई किसी और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से, कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है, उसके सामने इस बात का कोई इस अंदर में कोई विचार ही नहीं आता, तो मेरा विचार तो कैसे आ सकता है जिस व्यक्ति की आप बात करें उसके विचार। रुक करेंगे इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, योजना भवन ईडी की टीम पहुंची हुई है, योजना भवन के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, 15 अफसर्स की टीम से पूछताछ कर रही है। वेद प्रकाश यादव से गोल्ड कैश बरामद मामले में यह पूछताछ की जा रही है। कुल 15 ईडी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद है, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। DOIT से जुड़े कर्मचारियों से अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हैं। वेद प्रकाश के साथ साथ जुड़े तमाम स्टाफ भी पूछताछ में है। तो
कई स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, कई स्टाफ भी इस पूछताछ में शामिल हैं। प्रदेश में हुए जल जीवन मिशन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम ने बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स में तकरीबन 9 किलो का सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। जयपुर के रहने वाले ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी को 8 किलो सोना मिला है। जयपुर में लगातार ईडी की टीम का मूवमेंट जारी है। आज ईडी की टीम योजना भवन के दफ्तर में पहुंची हुई है, जहां पर डीओआईटी से जुड़े उन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है जो वेद प्रकाश स्टोर कीपर, जो कि बाद में प्रोग्रामर बना, जिसके पास में यहां पर बड़ी तादाद में कैश और गोल्ड मिला था, उस पूरे मामले में यहां पर तस्दीक जो है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ये योजना भवन का वो दफ्तर है जिसके बेसमेंट में और ऊपर की तरफ जो तमाम लोग जो वेद प्रकाश के साथ में टेंडर खरीद के मामले में जो लोग शामिल थे, जिन पर जो सवाल भेजे गए थे, सवालों के जवाबों के बाद में ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो बाकी अधिकारियों से पूछताछ। कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। वसुंधरा का सिपाही, बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला, साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। 27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री और यहां के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं, जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला, तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए, कहा मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अंबेडकर से कर रहे हैं, ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूं और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है, वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के अब वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का भाई साहब एक कार्रवाई बढ़ता जा रहा है, मोबाइल पीछे है, विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीछे हो जा रहा है। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज
सर्वोच्च पर पहुंच रहा है, उन सबको देखते हुए आज सब लोग सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक ठीक नेतृत्व जैसे खड़ा नहीं सकता। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पे नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। पर दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। ये तमाम बड़े बयान कैलाश मेघवाल की ओर से दिए गए। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ नेता साजिश करने में जुटे हैं। सतीश पुनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी, सभी पर यह कटाक्ष किया गया कि सभी कांग्रेसी हैं, ये सभी नेता बीजेपी में आयातित हैं। तो कैलाश मेघवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे का अपमान हो रहा है। 1 लाख से जीत कराऊंगा, टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बाद बीजेपी की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो अपनी ही पार्टी पर लगातार कर एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, अपने ही नेताओं को महाभ्रष्ट भी बता दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कैलाश मेघवाल के सख्त तेवर देखने को मिले, सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लेकर नीचे तक आप समर्थकों में क्या आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के। अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1 लाख की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहां की स्थिति है, मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और उकल लेते इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश की राजनीति से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सियासी सरगर्मी के बीच एमएलए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महाभ्रष्ट बताया था पीसी कौर, एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई, जहां पर अपने ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा, ये बयान भी कैलाश मेघवाल की ओर से सामने आया था। कई नेताओं को उन्होंने कांग्रेसी भी बता दिया था। पीसी कौर अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी, कई नेताओं को बताया था कि ये महाभ्रष्ट है, कई नेताओं को कांग्रेस का बताया था और इसके बाद पार्टी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे, साजिश के भी आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे और एक एक कर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था उनकी ओर से। और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इसे लेकर शिकायत भी करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने महाभ्रष्ट बता दिया था। आपको सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है, अर्श से फर्श का जो सफर, ये क्यों इस तरह से महसूस कर रहे हैं? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, मैंने कहा ना कि इसलिए लिखा कि मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ। तो मेरी मर्जी है, जो राजनीति करूंगा निकाल तो दिया ही। सुंदरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया, ये आप जानो मैं नहीं जानता। लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उसको लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ, मैंने अपने दम पे राजनीति की है, मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए, मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। तो कैलाश मेघवाल के बयान पर
ओमकार सिंह का बयान भी सामने आया। लगातार जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, टिप्पणियां भी शुरू हो गई। अब एक और बयान सामने आया, सियासी सरगर्मियां इस वक्त जोरों पर हैं। सीपी जोशी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया था, ये बयान सामने आए हैं ओमकार सिंह की ओर से। पार्टी में अनुशासन भंग करने को लेकर नोटिस दिया गया था, मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रकरण को पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी पी जोशी जी ने हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था, उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। तो वहीं आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर हरीश चौधरी का बयान भी सामने आया। आपको बताते चले कि उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या टिप्पणी की है। हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी ने बयान दिए हैं, इस व्यक्ति की नहीं ये विचारधारा की लड़ाई है, न नीति है, न नियत है, न ही कोई कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन की कल्पना भी नहीं करता, इसे लेकर पार्टी में कोई विचार ही नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, न तो इस व्यक्ति की कोई नीति है, न ही नियत। आप बात कर रहे हैं उसकी विचारधारा है नहीं, उसके कोई कार्यक्रम है नहीं, नीति और नियत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर कर और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो इस बात के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से, कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है, उसके सामने इस बात का कोई इस अंदर में कोई विचार ही नहीं आता, तो मेरे विचार तो कैसे आ सकता है जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उसके विचार। रुक करेंगे इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, योजना भवन ईडी की टीम पहुंची हुई है। योजना भवन के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, 15 अफसर्स की टीम से पूछताछ कर रही है। वेद प्रकाश यादव से गोल्ड कैश बरामद मामले में ये पूछताछ की जा रही है। कुल 15 ईडी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद हैं, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। डीओआईटी से जुड़े कर्मचारियों से अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हैं। वेद प्रकाश के साथ साथ जुड़े तमाम स्टाफ भी पूछताछ में है, तो कई स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, कई स्टाफ भी पूछताछ में शामिल हैं। प्रदेश में हुए जल जीवन मिशन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम ने बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स में तकरीबन 9 किलो का सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। जयपुर के रहने वाले ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी को 8 किलो सोना मिला है। जयपुर में लगातार ईडी की टीम का मूवमेंट जारी है। आज ईडी की टीम योजना भवन के दफ्तर में पहुंची हुई है, जहां पर डीओआईटी से जुड़े उन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है, जो वेद प्रकाश स्टोर कीपर, जो कि बाद में प्रोग्रामर बना, जिसके पास में यहां पर बड़ी तादाद में कैश और गोल्ड मिला था, उस पूरे मामले में यहां पर तस्दीक जो है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ये योजना भवन का वो दफ्तर है जिसके बेसमेंट में और ऊपर की तरफ जो तमाम लोग जो वेद प्रकाश के साथ में टेंडर खरीद के मामले में जो लोग शामिल थे, जिन पर जो सवाल भेजे गए थे, सवालों के जवाबों के बाद में ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो बाकी अधिकारियों से पूछताछ। कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। वसुंधरा का सिपाही, बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला, साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था।
27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री और यहां के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं। जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला, तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए, कहा मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अंबेडकर से कर रहे हैं, ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूँ और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है। ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के अब खास वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री लेंगे। दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का भाई साहब एक आ रहा है, कार्रवाई बढ़ता जा रहा है। मोबाइल पीछे है, विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीछे हो गया है। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी जी एक ठीक नेतृत्व से खड़ा नहीं है। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पे नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। पर दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। ये तमाम बड़े बयान कैलाश मेघवाल की ओर से दिए गए। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ नेता साजिश करने में जुटे हैं। सतीश पुनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी सभी पर ये कटाक्ष किया गया कि सभी कांग्रेसी हैं। ये सभी नेता बीजेपी में आयातित हैं। तो कैलाश मेघवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे का अपमान हो रहा है। 1 लाख से जीत कराऊंगा, टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बाद बीजेपी की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो अपनी ही पार्टी पर लगातार कर एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, अपने ही नेताओं को महाभ्रष्ट भी बता दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कैलाश मेघवाल के सख्त तेवर देखने को मिले। सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है।
ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लगाकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लगाकर नीचे तक। आप समर्थकों में है क्या? आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के, अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1,00,000 की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहां की स्थिति है, मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और उकल लेते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सियासी सरगर्मी के बीच एमएलए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महाभ्रष्ट बताया था पीसी कौर एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई, जहां पर अपने ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा, ये बयान भी कैलाश मेघवाल की ओर से सामने आया था। कई नेताओं को उन्होंने कांग्रेसी भी बता दिया था। पीसी कौर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी, कई नेताओं को बताया था कि ये महाभ्रष्ट है, कई नेताओं को कांग्रेस का बताया था और इसके बाद पार्टी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे, साजिश के भी आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे और एक एक कर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था उनकी ओर से। और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इसे लेकर शिकायत भी करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने महाभ्रष्ट बता दिया था। को सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है, अर्श से फर्श का जो सफर ये किया, किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, मैंने कहा ना कि इसलिए लिखा का मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ। तो मेरी मर्जी है जो राजनीति करूंगा, निकाल तो दिया ही। सुंदरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया, ये अब आप जानो, मैं नहीं जानता। लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उसको लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ, मैंने अपने दम पे राजनीति की है, मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन? कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए, मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। तो कैलाश मेघवाल के बयान पर ओमकार सिंह का बयान भी सामने आया। लगातार जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया टिप्पणियां भी शुरू हो गई। अब एक और बयान सामने आया, सियासी सरगर्मियां इस वक्त जोरों पर हैं। सीपी जोशी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया था, ये बयान सामने आए हैं ओमकार सिंह की ओर से। पार्टी में अनुशासन भंग करने को लेकर नोटिस दिया गया था, मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रकरण को पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी पी जोशी जी ने हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था, उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। तो वहीं आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर हरीश चौधरी का बयान भी सामने आया। आपको बताते चले कि उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या टिप्पणी की है। हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी ने बयान दिए हैं, इस व्यक्ति की नहीं ये विचारधारा की लड़ाई है, न नीति है, न नियत है, न ही कोई कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन की कल्पना भी नहीं करता, इसे लेकर पार्टी में कोई विचार ही नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, न तो इस व्यक्ति की कोई नीति है, न ही नियत। आप बात कर रहे हैं उसकी विचारधारा है? नहीं, उसके कोई कार्यक्रम है? नहीं। नीति और नियत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उस बात के लिए बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई से और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से, कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है, उसके सामने इस बात का कोई
इस संदर्भ में कोई विचार ही नहीं आता तो मेरे विचार तो कैसे आ सकता है जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उसकी विचार। रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, योजना भवन ईडी की टीम पहुंची हुई है। योजना भवन के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, 15 अफसर की टीम से पूछताछ कर रही है। वेद प्रकाश यादव से गोल्ड कैश बरामद मामले में यह पूछताछ की जा रही है। कुल 15 ईडी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद हैं, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। डीओआईटी से जुड़े कर्मचारियों से अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हैं। वेद प्रकाश के साथ साथ जुड़े तमाम स्टाफ भी पूछताछ में है, तो कई स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, कई स्टाफ भी इस पूछताछ में शामिल हैं। प्रदेश में हुए जल जीवन मिशन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम ने बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स में तकरीबन 9 किलो का सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। जयपुर के रहने वाले ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी को 8 किलो सोना मिला है। जयपुर में लगातार ईडी की टीम का मूवमेंट जारी है। आज ईडी की टीम योजना भवन के दफ्तर में पहुंची हुई है, जहां पर डीओआईटी से जुड़े उन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है जो वेद प्रकाश स्टोर कीपर, जो कि बाद में प्रोग्रामर बना, जिसके पास में यहां पर बड़ी तादाद में कैश और गोल्ड मिला था, उस पूरे मामले में यहां पर तस्दीक जो है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ये योजना भवन का वो दफ्तर है जिसके बेसमेंट में और ऊपर की तरफ जो तमाम लोग जो वेद प्रकाश के साथ में टेंडर खरीद के मामले में जो लोग शामिल थे, जिन पर जो सवाल भेजे गए थे, सवालों के जवाबों के बाद में ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो बाकी अधिकारियों से पूछताछ। कैलाश मेघवाल, बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। वसुंधरा का सिपाही, बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला, साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। 27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री को और यहां के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारियां गलत दी हैं, जो एफिडेविट पेश किया गया वो भी गलत है और झूठे हैं। इनका मंत्री पद तो जाएगा ही, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखा है कि जब तक इनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला, तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। जब कैलाश मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इस पर कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो कभी हीरो थे जिन्हें आज जीरो लाइन पर लाकर छोड़ दिया है। मैं कभी इस पार्टी में हीरो था और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। पार्टी में सीनियर लीडर की अनदेखी के आरोप लगाए, कहा मेरी पार्टी के लोग अर्जुन राम मेघवाल की तुलना भीमराव अम्बेडकर से कर रहे हैं, ये केवल उन्हें महिमा मंडित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि राजनीति में सक्रिय हूं और सक्रिय रहूंगा। उनका लंबा राजनीतिक सफर है और उनके सफर को अनदेखा किया जा रहा है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है, वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश हुई है। वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के अब वसुंधरा जी क्या निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री।
दूसरी ओर मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैलाश मेघवाल के निलंबन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले मामले की पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्रवा बढ़ता जा रहा है, मोबाइल पीछे का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीछे हो गया है। कल्याणकारी योजना जो देश दुनिया में आज सर्वोच्च पर पहुंच रहा है, उन सबको देखते हुए आज सब लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी जी एक ठीक नेतृत्व से खड़ा नहीं है। हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सी कैलाश की मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पे नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। मेघवाल के निलंबन की खबर आते ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। पर दिखाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। ये तमाम बड़े बयान कैलाश मेघवाल की ओर से दिए गए। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ नेता साजिश करने में जुटे हैं। सतीश पुनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी, सभी पर यह कटाक्ष किया गया कि सभी कांग्रेसी हैं, ये सभी नेता बीजेपी में आयातित हैं। तो कैलाश मेघवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे का अपमान हो रहा है। 1 लाख से जीत कराऊंगा, टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बाद बीजेपी की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो अपनी ही पार्टी पर लगातार कर एक एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, अपने ही नेताओं को महाभ्रष्ट भी बता दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कैलाश मेघवाल के सख्त तेवर देखने को मिले, सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लगाकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लगाकर नीचे तक आप समर्थकों में है क्या? आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के। अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1 लाख की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहां की स्थिति है, मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और उकल लेते इस बीच मिल रहे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश की राजनीति से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सियासी सरगर्मी के बीच एमएलए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महाभ्रष्ट बताया था पीसी कौर, एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई, जहां पर अपने ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा, ये बयान भी कैलाश मेघवाल की ओर से सामने आया था। कई नेताओं को उन्होंने कांग्रेसी भी बता दिया था। पीसी कौर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी, कई नेताओं को बताया था कि ये महाभ्रष्ट है, कई नेताओं को कांग्रेस का बताया था और इसके बाद पार्टी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे, साजिश के भी आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे और एक एक कर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था उनकी ओर से। और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इसे लेकर शिकायत भी करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने महाभ्रष्ट बता दिया था। को सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है, अर्श से फर्श का जो सफर, ये किस तरह से महसूस कर रहे हैं? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, मैंने कहा ना कि इसमें लिखा का मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ। तो मेरी मर्जी है, जो राजनीति करूंगा निकाल तो दिया ही। सुंदरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया, ये आप जानो मैं नहीं जानता। लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उसको लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ, मैंने अपने दम पे राजनीति की है,
मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन? कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए, मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। तो कैलाश मेघवाल के बयान पर ओमकार सिंह का बयान भी सामने आया। लगातार जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया टिप्पणियां भी शुरू हो गई। अब एक और बयान सामने आया, सियासी सरगर्मियां इस वक्त जोरों पर हैं। सीपी जोशी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया था, ये बयान सामने आए हैं ओमकार सिंह की ओर से। पार्टी में अनुशासन भंग करने को लेकर नोटिस दिया गया था, मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रकरण को पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी पी जोशी जी ने हमारे शाहपुरा के जो विधायक हैं और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री कैलाश जी मेघवाल, उनको अनुशासन भंग के जो उन पर नोटिस दिया गया था उनको कारण बताओ नोटिस, उस उन आरोपों में उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है और इस सारे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अनुशासन समिति को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपा है। तो वहीं आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर हरीश चौधरी का बयान भी सामने आया। आपको बताते चले कि उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या टिप्पणी की है। हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी ने बयान दिए हैं, इस व्यक्ति की नहीं ये विचारधारा की लड़ाई है, न नीति है न नियत है न ही कोई कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन की कल्पना भी नहीं करता, इसे लेकर पार्टी में कोई विचार ही नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर हरीश चौधरी के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की कोई विचारधारा नहीं है, न तो इस व्यक्ति की कोई नीति है न ही नियत। आप बात कर रहे हैं उसकी विचारधारा है? नहीं, उसके कोई कार्यक्रम है? नहीं। नीति और नियत पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। उस व्यक्ति के बारे में आप लोग बात कर और किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उस बात के लिए बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई किसी और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से कांग्रेस के नीति रीति से सहमत है उसके सामने इस बात का कोई इस संदर्भ में कोई विचार ही नहीं आता तो मेरा विचार तो कैसे आ सकता है जिस व्यक्ति की आप बात करें उसके विचार। रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, योजना भवन ईडी की टीम पहुंची हुई है। योजना भवन के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, 15 अफसर्स की टीम से पूछताछ कर रही है। वेद प्रकाश यादव से गोल्ड कैश बरामद मामले में ये पूछताछ की जा रही है। कुल 15 ईडी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, कई अधिकारी मौजूद है, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। DOIT से जुड़े कर्मचारियों से अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हैं। वेद प्रकाश के साथ साथ जुड़े तमाम स्टाफ भी पूछताछ में है, तो कई स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है, कई स्टाफ भी इस पूछताछ में शामिल हैं। प्रदेश में हुए जल जीवन मिशन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम ने बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर्स में तकरीबन 9 किलो का सोना जब्त किया है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। जयपुर के रहने वाले ओपी विश्वकर्मा के लॉकर से ईडी को 8 किलो सोना मिला है। जयपुर में लगातार ईडी की टीम का मूवमेंट जारी है। आज ईडी की टीम योजना भवन के दफ्तर में पहुंची हुई है जहां पर DOIT से जुड़े उन अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है जो वेद प्रकाश स्टोर कीपर जो कि बाद में प्रोग्रामर बना जिसके पास में यहां पर बड़ी तादाद में कैश और गोल्ड मिला था, उस पूरे मामले में यहां पर तस्दीक जो है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ये योजना भवन का वो दफ्तर है जिसके बेसमेंट में और ऊपर की तरफ जो तमाम लोग जो वेद प्रकाश के साथ में टेंडर खरीद के मामले में जो लोग शामिल थे जिन पर जो सवाल भेजे गए थे, सवालों के जवाबों के बाद में ईडी उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो बाकी अधिकारियों से पूछताछ। कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर हमलावर हो रहे थे। वसुंधरा का सिपाही बीजेपी का बागी, मेघवाल वर्सेस मेघवाल की लड़ाई अब करप्शन गुटबाजी पर आई। कैलाश बनाम अर्जुन राम, कैलाश पर गिरी गाज। कैलाश मेघवाल बीजेपी से निलंबित,
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने आज फिर से अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला। साथ ही राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में गुटबाजी होने का दावा किया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी ने उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था। 27 अगस्त को प्रेस वार्ता की, अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, इन्हें हटाना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश की ओर से उन्हें 4 सितंबर को नोटिस दिया गया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि इसे लेकर प्रधानमंत्री और यहां के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को उन्होंने अपना जवाब भेज दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा कि अधिकारी रहते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी, तब भी उनके प्रमोशन को रोकने की मांग की गई थी। कैलाश मेघवाल का आरोप था कि अर्जुन राम मेघवाल चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट दिलाने के कामकाज में शामिल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि चुनाव लड़ने के दौरान जो एफ